लेकिन लाभानंद यति कोई आर्ष योगी नहीं थे, वो एक तांत्रिक था और तांत्रिक क्रियाओं को सिद्ध कर रखा था। तांत्रिक क्रिया किसको कहते हैं? आध्यात्मिक क्षेत्र में दो चीजें चलती हैं। अध्यात्म के नाम पर जो बाजार लगता है उसमें दो तरह की दुकानें मिलेंगी, एक तो योगी महात्मा की जिसकी साधना को कहते हैं दक्षिण मार्गी, और एक जो साधना होती है वो कहलाती है वाम मार्गी, जो तामसिक लोगों की होती है। आप देखते हैं समाचार पत्रों में, आप पढ़ते रहते हैं, टीवी में भी देखते हो, कई जगह तांत्रिक कहीं शराब चढ़ाते हैं, किसी की बलि दिला देते हैं, कहीं बच्चों की हत्या करा देते हैं। किसके लिए? कई जगह पेपरों में भी छप जाता है कि अमुक को बच्चा नहीं होता था, दूसरे के बच्चे का अपहरण लाए और उसकी हत्या कर दी ताकि हाँ तुम्हारे को बच्चा हो जाएगा। ये कितना पाप है। ये तांत्रिक क्रियाएं अधिकतर झूठ पर आधारित होती हैं। ये तांत्रिक क्रिया करने वाले तामसिक होते हैं, मांस का भक्षण भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, अपने इष्ट को भी शराब चढ़ाते हैं, श्मशान में रहते हैं, राख लपेटे रहते हैं, इनके हाथ में मनुष्य की खोपड़ी होती है और चमत्कार दिखाकर लोगों को डराए रखते हैं। जो इनका कहना नहीं मानता उसको अपने तांत्रिक क्रियाओं से इतने परेशान कर देते हैं कि व्यक्ति हाथ जोड़कर इनके सामने अपना सब कुछ समर्पित कर देता है कि जो आप कहेंगे हम वही मान लेंगे। श्री जी जब पहुंचते हैं मेड़ता में तो लाभानंद यति का पूरे मेड़ता पर वर्चस्व था, और अपने वर्चस्व को बनाने के लिए उसने क्या किया था? किसी भी महात्मा को वो नगर में आने नहीं देता था। पहली तो बात ये कि सबको उसने मना कर रखा था कि मेरे अतिरिक्त जो कोई किसी महात्मा के पास जाएगा, ज्ञान चर्चा सुनेगा, उसको दंडित मैं दूंगा करूंगा, और इसी डर से कोई भी कथा चर्चा सुनने किसी के पास नहीं जाता था। उसका भय इतना फैला हुआ था। श्री जी जब जाते हैं तो 10 दिनों तक उससे चर्चा होती है। उसको आध्यात्मिक ज्ञान तो था नहीं, जीवन भर उसने तांत्रिक सिद्धियां कर रखी थी। तांत्रिक सिद्धियों में क्या किया जाता है? वशीकरण होता है, मारण होता है, मोहन होता है, उच्चाटन होता है, ये तांत्रिक क्रिया है। दूसरों को बस में कर लेना, इसमें क्या करते हैं, दीवार पर एक काला बिंदु बना देते हैं और उस बिंदु को एकटक होकर 3-3.5 घंटे तक लगातार यदि आप देखें, आपको ये नहीं करना है क्योंकि ऐसा करना पाप कहलाता है, 3 घंटे तक जो एकटक देख लेगा वो जिससे जो कहेगा वो करना पड़ेगा, इसको कहते हैं वशीकरण, और कुछ नहीं होता। आपकी जो शक्ति है मन और इंद्रियों की, मन की शक्ति को जब आप एकाग्र करेंगे तो मन के संकल्प से आप जो चाहें वो करवा सकते हैं, इसको सिद्धि कहते हैं। जैसे खेत में घास लगी हुई है, एक बकरी भी आएगी तो सारी घास को चर सकती है, उसमें कोई शक्ति नहीं, लेकिन सारी घास को इकट्ठा करके आप रस्सी बट दीजिए तो उस रस्सी से हाथी को भी बांधा जा सकता है। ये तो स्थूल लाभ हुआ। यदि उस घास को आप दूसरे रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, गैस के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, तो और शक्ति पैदा हो जाएगी। जैसे यदि उस घास को आपने सुखा लिया लंबी मात्रा में तो उसे आप बिजली भी बना सकते हैं, चाहे गैस के माध्यम से गैस बनाकर बिजली बनाइए या टरबाइन के माध्यम से बिजली बनाइए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक बकरी आएगी, सबको चरती जाएगी। मनुष्य की शक्ति भी चारों तरफ फैली हुई है, हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं इसलिए असहाय बने होते हैं। देखने के लिए सबका शरीर हड्डी मांस का पुतला है, हड्डियों के ऊपर चमड़े का ढक्कन है, मांस है, इसमें हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां
विषयों का सेवन करती है, मन इसी में खुश रहता है, शरीर के नौ द्वारों से मलमूत्र ही निकलता है। देख, कहने के लिए यह शरीर है अशुद्ध, लेकिन इसी शरीर से परमात्मा से मिलन होता है। यदि आध्यात्मिकता की तरफ यह शरीर चल गया तो इस शरीर की हड्डी तक पूजी जाती है, राख तक के लिए लोग तरसते हैं। जब बुद्ध का शरीर छूटा, दाह संस्कार हुआ, तो उनकी अस्थियों की राख के लिए लड़ाई होने को तैयार हो गए थे लोग कि हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। मोहम्मद साहब का बाल एक कश्मीर के मस्जिद में रखा था, हजरत बल में, वो बाल गुम हो गया था तो उसके लिए आतंक मच गया था, लगता था कि दंगे फैल जाएंगे, फिर कहीं से बाल खोज कर रखा गया। आप सोचिए, संसार में तो अरबों प्राणी हैं, प्रतिदिन हजारों लाखों मरते हैं, उनको क्या किया जाता है? आग में जला दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान परमात्मा की तरफ किया नहीं होता है। एक सती है, उसके सतीत्व के सामने सब सिर झुकाते हैं। एक वेश्या है जिसकी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता। मनुष्य का कर्म ही उसको तो महान बनाता है। यदि हम इस शरीर से विषय भोगों में लिप्त रहेंगे तो कौन पूछेगा? एक दिन इंद्रियों का तेज समाप्त हो जाएगा, हमारा शरीर भी मृत्यु को प्राप्त होगा और उसको आग के लपटों के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन इसी शरीर से यदि आपने अपने प्राणेश्वर को रिझा लिया, आपने अक्षरातीत का दीदार कर लिया, तो आपके जीव को अखंड बेहद का अनंत सुख मिलेगा और आपकी आत्मा अपने प्राणेश्वर के साथ विहार किया करेगी। उपयोग पर निर्भर है। इस शरीर की कीमत अनमोल है और देखा जाए तो कुछ भी नहीं, उपयोग पर निर्भर है। इसलिए तो विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है कि गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्या तूति भारत भूमि भागे, स्वर्ग पवर्ग पद मार्ग भूता, भूयन्ति पुरुषा भूयन्ति भूया पुरुषा सुर पुरुषा सुरत्वात्। स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें भारतवर्ष में मानव तन दे देना, ताकि हम आपका ध्यान कर, आपकी भक्ति करके शाश्वत मोक्ष को प्राप्त कर सकें। जो स्वर्ग के देवता हैं, बैकुंठ के देवता हैं, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं है। उन्हें उन लोगों का सुख तो प्राप्त होता है, परमात्मा की सानिध्यता नहीं है उनके पास। लेकिन भारत ही वो ऋषि भूमि है, वो देव भूमि है, जहाँ ज्ञान और वैराग्य की सरिता प्रवाहित होती है। आप अमेरिका में चले जाइए, ब्रिटेन में चले जाइए, सुख सुविधा तो बहुत मिलेगी, आध्यात्मिकता नहीं मिलेगी। मांस और बियर, चमकती हुई सड़कों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा विदेशों में। वहाँ कोई सोचे कि हम दिन रात 6-6 घंटे की समाधि लगाएं, 2-2 दिन की समाधि लगाएं, तो अमेरिका में, इंग्लैंड में ये सब नहीं होगा। भौतिक सुख जितना चाहे उतना मिल सकता है। हाँ, भारत व ऋषियों की, योगियों की धरती है, जहाँ गुफाओं में, झोपड़ियों में, वनों में कोई न कोई योगी मिल जाएगा, जो सारे संसार से अलग होकर परमात्मा के ध्यान में लगा रहेगा। संसार के सारे सुखों को भोगने के बाद वो परम तत्व को देखना चाहता है, जानना चाहता है, और यही तो जीवन का स्वरूप और लक्ष्य होता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपनी वृद्धावस्था में सारे राजपाट को ठोकर मारकर वनों में जाकर झोपड़ी बनाकर रहते आए हैं, परमात्मा का ध्यान करते रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तत्ववेत्ता अपनी सारी आय उसी परमात्मा के चिंतन में लगाते रहे हैं। यह केवल भारत की धरती पर होता है। मैं वही बात कह रहा था कि दक्षिण मार्ग की जो उपासना पद्धति है वो सात्विक मार्ग से परमात्मा की आराधना करती है। जो वाममार्गी पद्धति है वो मद्य से, मांस से, शराब से या अन्य तांत्रिक क्रियाओं से चमत्कार दिखाकर लोगों को वशीभूत करती है। आप बंगाल के जादू का नाम सुने होंगे, कामाख्या के जादू का नाम सुने होंगे। ये तांत्रिक ऐसे ही करते हैं, अपनी मन की शक्ति को एक जगह किसी मंत्र विशेष के जप में लगाते हैं। जैसे अभी एक विदेशी ने एक प्रयोग सिद्ध किया था, उसने अपने मन की संकल्प शक्ति से घड़ी की सुइयों को उल्टी दिशा में घुमा दिया था, दूर बैठे बैठे केवल देखकर। योगी क्या करते हैं? और कुछ नहीं होता। एक महात्मा जी के साथ सच्ची घटना घटी थी।
उनके पास टिकट नहीं था, टीटीआई ने उनको नीचे उतार दिया। ये मेरी जन्मभूमि के पास की घटना है। टीटीआई ने जब नीचे उतारा तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा कि क्या ट्रेन तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। ड्राइवर बेचारा सारी ताकत लगाता रहा, ट्रेन एक कदम आगे नहीं बढ़ी। जब लोगों ने उनसे कहा कि उस महात्मा को आपने अपमानित क्यों किया, बेचारे टीटी ने आकर के पैर पकड़े, उनको बैठाया आदर से, तब ट्रेन चली। इसमें और कुछ नहीं है, योगी का संकल्प बल। वैसे ये सब कार्य कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना समाज को गलत दिशा में डालना होता है। लोग परमात्मा का ध्यान छोड़कर यही चमत्कारिक सिद्धियां यदि करने लगेंगे तो समाज का बहुत अहित होगा। इसलिए जो भी ध्यान की प्रक्रिया है केवल परमात्मा के दर्शन के लिए होनी चाहिए, समाज को खुश करने के लिए नहीं, क्योंकि समाज को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते। ये माया का संसार आपकी सिद्धि विभूतियों को देकर आपके पास माया के लिए आएगा, परमात्मा को पाने के लिए कोई नहीं आना चाहे। इस दुनिया में लोग माया से प्रेम करते हैं। आप सिद्ध महापुरुष बन जाइए तो आपके पास तांता लग जाएगा केवल माया के लिए। हम करोड़पति बन जाए, हमारे बेटे को ये हो जाए, हमारा पोता हो जाए, आप आशीर्वाद दे दीजिए, कोई ये नहीं मांगने आएगा कि हमको माया से छुड़ाकर परमात्मा का दर्शन कराइए। 100,000 लोग आएंगे तो उनमें कोई एक व्यक्ति निकलेगा जो सच्चे हृदय से चाहता होगा कि हमें माया नहीं चाहिए, हमें परमात्मा का दर्शन करिए। लेकिन जो अपना अनमोल समय केवल सिद्धियों को पाने में लगा देते हैं, उनसे बड़ा नादान, उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। इसलिए कभी सिद्धि के पीछे नहीं चलना चाहिए। जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में लगाए रखना।